दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक शेड का निर्माण किया गया है, कार पार्किंग शेड, जो कि देखने में शानदार। और वन साइड यहाँ पे कॉलम लगाए गए हैं, फ्रंट साइड में कोई भी कॉलम नहीं लगाया गया है, और घर की शोभा को ये खराब नहीं करेगा। देख सकते हैं आप लोग, शेड की लंबाई है 20 फीट और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 फीट है। तो देख सकते हैं सामने की तरफ को हमने 3 कॉलम लगाए हैं, और ये कॉलम जो लगाए गए हैं वो रेक्टेंगल पाइप, 1.5 इंच बाई 3 इंच की रेक्टेंगुलर पाइप के लगाए गए हैं, देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे डबल पाइप लगाई है और बीच में ये पार्टीशन की है, देख सकते हैं आप, 75 mm × 40 mm की पाइप की। तो इसको बनाने का क्या कारण था, ऐसा क्यों बनाया, इसके बारे में हम बात करेंगे, और कितना खर्चा आया है इस शेड के ऊपर, क्या क्या मटेरियल लगा है और लेबर कितनी आई है, तो टोटल आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टाटा फैब्रिकेटर अमन। तो दोस्तों आप अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अभी हम बताएंगे आपको कितनी शीट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, और कितना लोहा, पेंट का खर्चा कितना आया है, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी लंबाई और चौड़ाई। इसकी लंबाई है 20 फीट और चौड़ाई है 10 फीट। यहाँ पे हम लोगों ने 10 फीट की 6 सीटें इंस्टॉल की हैं, कामधेनु कलर मैक्स सीट है यहाँ पे ये। और एक सीट का प्राइस आप लोगों को मैं बता दूँ दोस्तों, तो 1822 रुपये की एक चादर है ये। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर के लिए लोहा लगाया गया है, ये देख सकते हैं आप, रेक्टेंगल पाइप है 40 mm × 75 mm की। तो ये हमारी जो पाइप लगी हुई है टोटल, ये देख सकते हैं आप लोग, 5 पाइपें हमारी इंस्टॉल की गई हैं। यहाँ पे राफ्टर भी लगाया गया है सामने की तरफ को, देख सकते हैं आप लोग। तो ये पाइप जो लगी है हमारी, 80 किलो पाइप लगी है टोटल, तो 5200 रुपये की ये पाइप लगी हुई है हमारी। और 1.5 इंच बाई 1.5 इंच की स्क्वेयर पाइप के हमने पर्लिन लगाए हैं, जो सेंटर में आप लोग देख सकते हैं। तो इनका टोटल वेट था 48 kg और इसका प्राइस पड़ेगा 65 रुपये kg के हिसाब से, तो ये 3120 रुपये की पाइप पड़ी हुई है। और 1 इंच बाई 1.5 इंच की पाइप लगी है हमारी ये फेशियल के नीचे, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है इसके नीचे जो लगी हुई है। तो ये हमारी 9 किलो की पाइप है, 2 पाइपें लगी हैं हमारी ये वाली, तो 1170 रुपये की ये पाइपें लगी हैं। और एंगल की 2 लेंथें लगी हैं फेशियल बनाने के लिए, तो 780 रुपये की ये पाइप लगी है। तो गाइस आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर के लिए लोहा लगा हुआ है 10,200 रुपये का लोहा लगा हुआ है यहाँ पे, और चादर जो आई है हमारी वो 10,932 रुपये की आई है। झालर लगी है हमारी 3500 रुपये की, जो देख सकते हैं आप लोग फ्रंट में। तो टोटल यहाँ पे हमारा जो है, देख सकते हैं जो कॉस्ट आया है गाइस, सारा टोटल 31,652 रुपये इंक्लूडिंग लेबर, मटेरियल, पेंट, इंस्टॉलेशन, देख सकते हैं आप लोग। और ये कॉलम जो बैक साइड में लगाए गए हैं और फ्रंट साइड में नहीं लगाए गए हैं, इसका कारण ये था कि फ्रंट साइड की जो स्पेस है वो ख़राब ना हो, आंगन ख़राब ना हो, इसके लिए यहाँ पे ऐसे हिसाब से शेड बनाया गया है कि ये मजबूत भी हो और हवा में उड़े भी ना और देखने में सुंदर लगे। तो देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग भी ऐसा कार्य करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसकी ढलान जो रखी गई है वो हम लोगों ने 1 फीट की ढलान बैक साइड को रखी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे टोटल जितना भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो फुल वेल्डिंग की हुई है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वेल्ड किया गया है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस इसका कॉस्ट आया है टोटल 31,652 रुपये इंक्लूडिंग लेबर मटेरियल, लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 10 फीट, हाइट बैक साइड की 10 फीट है। तो देख सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करें कहां से आप लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।